सो इन गेट के बारे में काफी सारे न्यूज में भी एडवर्टाइजमेंट्स आते रहते हैं, प्लस काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहती है, प्लस आपके जो बड़े हैं, प्लस आपके जो टीचर्स हैं आपको बोलते हैं कि बेटा गेट के एग्जाम की तैयारी करो, पर इसके बारे में जो करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि यार हाँ हम गेट एग्जाम करने के बाद क्या क्या कर सकते हैं। प्लस एक और चीज होती है कि यार बच्चा ये समझता है कि नहीं मुझे तो पीजी नहीं करना है, मुझे टीचिंग फील्ड में नहीं जाना है तो मेरे को गेट नहीं करना है, राइट? ऐसा नहीं है। आप गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद टीचिंग के अलावा आप दूसरे फील्ड में भी काफी अच्छा अपना करियर बना सकते हैं, तो ये सब मैं आपके सामने आज डिस्कस करूंगा। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बेस्ड स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, और बहुत स्टूडेंट्स के डिमांड पे मैं ये वीडियो लेके आया हूं जहां पर मैं बताने वाला हूं कि गेट एग्जाम क्या है और कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए, कब तैयारी करनी चाहिए, इसके जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो क्या है और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट टिप बताऊंगा कि कैसे आप यहां पे इस एग्जाम की तैयारी कम टाइम में अच्छे से कर सकते हैं। सो जो गेट एग्जाम है, गेट का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। 2021 में इस एग्जाम को आईआईटी बॉम्बे ने कंडक्ट कराया था और इस बार आईआईटी खड़गपुर इस एग्जाम को कंडक्ट कराने वाला है, मतलब 2022 का एग्जाम। तो यहां पे जो ये गेट एग्जाम है इसका लेवल तो होता है, पर अगर सिस्टमेटिक इसकी तैयारी करते हैं तो इस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपके छोटे भाई अगर 10th क्लास या 11th क्लास में है तो घर वाले हमेशा उसको बोलते हैं चल बेटा नीट की तैयारी चालू कर दे या आईआईटी की तैयारी चालू कर दे, तो आप क्या करते हो लग जाते हो, है ना, और पेरेंट्स भी लगते हैं और बच्चा भी फुली डेडिकेटेड के साथ फुली डेडिकेशन के साथ ये तैयारी चालू कर देता है। पर उतना ही डेडिकेशन उससे थोड़ा कम भी हो तो चलेगा, अगर आपने ग्रेजुएशन के साथ साथ इस एग्जाम की तैयारी करी तो मैं गारंटी देता हूं कि वहां तो चलो ठीक है नंबर्स बहुत ज्यादा होते हैं, कॉम्पिटिशन ज्यादा होता है, यहां पर कॉम्पिटिशन भी कम होता है क्योंकि बहुत कम लोग इस एग्जाम को देते हैं, मतलब देते हैं पर लोग बढ़ जाते हैं, कुछ लोग का प्लेसमेंट हो जाता है, कुछ गवर्नमेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चले जाते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो इस एग्जाम को देते हैं, नंबर्स हमारे पास ज्यादा नहीं है, कॉम्पिटिशन ज्यादा नहीं है, तो इस एग्जाम की तैयारी बहुत इजीली आप करके एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आता होगा कि चलो ठीक है सर एग्जाम के बारे में तो हम समझ गए और कौन कराता है ये भी समझ गए, क्रैक भी कर लेंगे ये भी समझ गए, पर सर एग्जाम कौन दे सकता है इसके बारे में आप बताओ। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो समझ लीजिए। आप बीई बीटेक बी फार्मा अगर आप कर रहे हैं और अगर आप यहां पे अपना जो डिग्री है वो थर्ड ईयर में है या फिर फोर्थ ईयर में है या फिर कंप्लीट कर चुके हैं आप एलिजिबल हैं। 2020 से पहले क्या होता था कि जो स्टूडेंट फोर्थ ईयर में है या कंप्लीट कर चुके हैं वो एलिजिबल होते थे, पर नाउ अब थर्ड ईयर वाले स्टूडेंट्स को भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल कर दिया गया, राइट? तो आप इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, राइट? दूसरा जो स्टूडेंट एमएससी कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं या फिर एमसीए कर रहे हैं वो लोग भी इस एग्जाम को दे सकते हैं, और वो लोग प्रीवियस में अगर है, देखो पहले क्या होता था कि अगर आप एमएससी फाइनल में देन दैट टाइम यू आर एलिजिबल या फिर आप कंप्लीट कर चुके तो एलिजिबल है, बट नाउ यू आर इन प्रीवियस तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। तो अगर आप एमएससी प्रीवियस में विथ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स लाइफ साइंस बायोटेक्नोलॉजी इन सभी सब्जेक्ट में आप यहां पे गेट एग्जाम दे सकते हैं, राइट? और 2022 में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए आप यहां पे एलिजिबल है। सो बात करेंगे कि करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है सर आफ्टर गेट एग्जाम, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अच्छा एक और चीज बताना चाहता हूं कि जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो यहां पे जो गेट का स्कोर कार्ड है वो 3 ईयर वैलिड होता है। अब स्टूडेंट के मन में कंफ्यूज होगा कि सर यार मैं तो बीटेक थर्ड ईयर में हूं, अगर मैंने गेट क्वालिफाई कर लिया सर तो मैं तो फोर्थ ईयर मांगू तो फिर कहां जाएगा, फिर मेरा तो अगले साल वापस गेट देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है, आपका जो गेट का स्कोर कार्ड है वो 3 ईयर तक वैलिड होता है, मतलब 3 साल तक वो रिजल्ट चलेगा, 3 साल तक आप वहां पे गेट स्कोर कार्ड के थ्रू आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं। सो बात करेंगे गेट अपॉर्चुनिटीज के बारे में कि चलो ठीक है सर गेट एग्जाम हमने क्लियर कर लिया तो हमारे पास क्या करियर स्कोप रहेंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 12th के बाद आप आईआईटी जेई का एग्जाम देते हैं ना, उसके बाद जो करियर ऑप्शंस रहते हैं ना उससे ज्यादा यहां पे करियर ऑप्शंस रहते हैं ना, क्योंकि यहां पे आप क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, राइट? सो यहां पे जो पोस्ट ग्रेजुएशन होता है उसके अंदर आप एमटेक कर सकते हैं या फिर एमएस अब्रॉड कर सकते हैं, है ना? सो यहां पे एमटेक जो होता है वो जितने भी आईआईटीज और एनआईटीज है वहां से आप एमटेक कर सकते हैं, इसमें आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, राइट? अराउंड 12,000 to 15,000 आपको यहां पे स्कॉलरशिप मिलती है, राइट? दूसरा अगर आप एमएस आउट ऑफ इंडिया भी करना चाहते हैं तो अब्रॉड में यहां पे कुछ पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज हैं वो इसको गेट स्कोर कार्ड को वैलिड करती है, प्लस यहां पे आपको स्कॉलरशिप भी मिलती है, राइट? तो अपनी मतलब पढ़ाई के साथ साथ अपना खर्चा भी आप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी है जो सीधा बीटेक के बाद आपको पीएचडी के लिए एलिजिबल करती है, अगर आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा है और आपका
लाइक रैंकिंग अच्छी है तो आप सीधा पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं, राइट? तो ये भी बहुत अच्छा करियर स्कोप, मतलब आप पीएचडी मतलब रिसर्च फील्ड में आप जा सकते हैं। इसमें इसका बेनिफिट क्या है, तो यहाँ पे बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं एमटेक करने के बाद बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेस्ड होते हैं, खास करके जो बेसिक साइंस के स्टूडेंट हैं लाइक केमिस्ट्री फिजिक्स मैथमेटिक्स वाले, अगर वो एमटेक करते हैं आईआईटी से तो उनके लिए एक बहुत अच्छा करियर प्रोस्पेक्टिव बनता है। इवन इंजीनियरिंग वालों के लिए तो बेस्ट स्कोप है ही है यहाँ पे, क्योंकि आपके लिए भी बहुत सारा लाइक कंपनीज जो होती है वो एमटेक स्टूडेंट्स को हायर करती, राइट? और रिसर्च और आरएनडी में बहुत अच्छा स्कोप रहता है इसके लिए, क्लियर है? दूसरा, हायर पे पैकेजेस, मतलब अच्छा पैकेज मिलता है आपको यहाँ पे। तीसरा पे स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिलती है, मतलब आप अपने पढ़ाई के साथ साथ आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप भी मिलती है ताकि आप अपना खर्चा भी निकाल सकते हैं, घर पे डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा एमटेक कर रहा होता है तो उसकी एज लगभग 22-23 होती है, थोड़ा सा मतलब पेरेंट्स पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहे, वो अपनी डेली नीड्स को वहाँ से फुलफिल कर सकता है, राइट? अब बात करेंगे इस दुनिया पे कि अगर आपका गेट में टॉप रैंकर हो, राइट, है ना, टॉप रैंकर हो तो पीएससीज आपको सीधा हायर करती है ना। ये पब्लिक सेक्टर यूनिट है जो कि गवर्नमेंट के लाइक उसमें चलती है, अंडरटेकिंग में चलती है, जैसे बैल है, एचएएल है, एनपीसीएल है, गेल है, आईओसीएल है, बीपीसीएल है ना, तो ये सब है, प्लस 50 प्लस पीएसयूज है ना। तो अगर आप टॉप गेट रैंकर्स हैं तो आपको वहाँ पे सीधा जॉब मिलता है, राइट, है ना। आपको सीधा खाली अप्लाई करना होता है। अगर आप इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो तो जुलाई से लेके अराउंड सितंबर अक्टूबर तक जो एसेंट न्यूज़पेपर होता है टाइम्स ऑफ इंडिया का, वहाँ पे बकायदा इसके एड्स निकलते रहते हैं ना, ऊपर लिखा होता है थ्रू गेट 2022, राइट? तो आपको बस इन्फॉर्मेशन लेनी है एंड देन आप वहाँ पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। प्लस कुछ स्टेट्स में जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है ना, तो वहाँ पे वो गेट रैंकर्स को सीधा हायर करता है, क्लियर है? तो सीधा आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है यहाँ पे, है ना। इसका बेनिफिट ये कि अच्छा खासा पैकेज मिलता है आपको, लाइक 10-15 लाख तक आपको यहाँ पे पैकेज मिल जाता है, प्लस जॉब स्टेबिलिटी है, देन यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी मिलते हैं। क्योंकि अगर आप किसी पीएससीज में काम करें तो वहाँ पे बहुत सारे अलग अलग बेनिफिट्स भी आपको मिलते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि सीधा आप गवर्नमेंट जॉब यहाँ पे मिलता है आफ्टर द गेट स्कोर, है ना। अच्छा आपका स्कोर होना चाहिए, लाइक टॉप रैंकर्स होने चाहिए आप, राइट, है ना। तो वो अब डिपेंड करता है कि हर एक की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, अलग अलग कंपनीज अपनी अपनी वैकेंसीज निकालती है, उसके हिसाब से आपको वहां पे इंटरव्यूज देके आपको इसको करना होता है, राइट। बहुत सारे स्टूडेंट्स का यह रहता है कि नहीं सर, मुझे गेट एग्जाम क्रैक नहीं करना है, मुझे तो आईएम से एमबीए करना है, उसके लिए मैं गेट की तैयारी करूंगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि गेट एग्जाम क्रैक करने के बाद भी आप आईएम में जा सकते हैं। यहां पे एक फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट होता है या एफईएम बोलते हैं इसको, इसके लिए भी आप, अगर आप गेट का अच्छा स्कोर है आपका, तो यहां पे आप सीधा सीधा आईएम में अप्लाई करके अपना ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस यहां पे एक और चीज बताना चाह रहा हूं कि जो नीति है, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ये भी सीधा स्टूडेंट्स को एडमिशन देती है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट के अंदर, राइट। तो अगर आपका गेट स्कोर कार्ड अच्छा है तो आप मैनेजमेंट फील्ड में भी अपना करियर ऑप्शन बना सकते हैं। एक और चीज बताना चाहता हूं कि बहुत सारे जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट है उनका एक फोकस रहता है कि यार सर, है ना, मुझे आईईएस निकालना, दैट इज इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज, क्लियर है? तो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप तैयारी करना चाहते हो तो दिस इज द बेस्ट वे कि भैया ठीक है, आप एक बार आईआईटी में जाके एमटेक अपना स्टार्ट कर दो, साथ में अपनी पैरेलल, क्योंकि जो गेट का सिलेबस होता है उससे ऑलमोस्ट मैच करता है सिलेबस आईईएस का, राइट। आप क्या करो, गेट एग्जाम क्रैक करके आईआईटी चले जाओ, देन अपना साथ साथ में ईएस की प्रिपरेशन करो और आप अपना ईएस एग्जाम भी यहां पे इजीली क्रैक कर सकते हो। अब बात होती है सर कि ठीक है सर, आपने समझा दिया कि गेट एग्जाम होता क्या है, कौन दे सकता है, क्या करियर अपॉर्चुनिटीज है, अब इस एग्जाम की तैयारी कैसे करें? तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एग्जाम का जो नॉर्मल कट ऑफ जाता है वो 25 मार्क्स के आसपास जाता है। खैर 25 मार्क्स आपका कुछ नहीं होना है, अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाह रहे हो तो अराउंड आपके पास 45-50 मार्क्स तो मिनिमम होने ही चाहिए, राइट। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि 20-25 मार्क आप इजीली क्रैक कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जो गेट का सिलेबस होता है इसके अंदर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पूछी जाती है प्लस जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, दोनों मिला के लगभग 25-30 मार्क्स का वेटेज होता है। अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स अच्छा करना चाह रहे हो तो मेरे यूट्यूब पे बहुत अच्छे वीडियोज है, आई टी पे जाके देख सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। प्लस जो जनरल एप्टीट्यूड है उस पर भी मेरे चैनल पे काफ़ी अच्छे वीडियोस हैं, वो भी आप देख सकते हो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ और एक प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि जितने भी गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं प्लस जनरल एप्टीट्यूड के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, सबके लिए एक मैं डिफरेंट सीरीज लेके आने वाला हूँ फ्रॉम दिस जून 2021 और अप टू एग्जाम 22 आपका जो होने वाला है, तब तक मैं इन सभी की सीरीज आपके यहाँ पे अपलोड कर दूंगा, सो देट कि आपके जो 25-30 मार्क्स हैं भैया वो अच्छे हो जाएंगे, क्लियर है? बात फिर होती है कि रिमेनिंग मार्क्स कहाँ से लेके आए, तो वो आपके सब्जेक्ट से लेके आने पड़ेंगे। मान लीजिए अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट तो आपको मैकेनिकल सब्जेक्ट प्रिपेयर करने पड़ेगा, लाइक सॉम एफएम अलग अलग जो भी सब्जेक्ट आपको देखने पड़ेंगे। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सिविल एंड कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट, तो आपको अपने अपने सब्जेक्ट, लाइक अगर आप
केमिस्ट्री के स्टूडेंट है या मैथ्स के स्टूडेंट है या फिजिक्स के हैं, तो जो भी सब्जेक्ट आपको उस सब्जेक्ट में फोकस करना पड़ेगा, राइट। अभी मैं आपके सामने आगे एक और वीडियो लेके आने वाला हूं, क्योंकि ये पूरा गेट की सीरीज चलेगी, तो आपको कैसे गेट एग्जाम क्रैक करना चाहिए, क्या एग्जाम पैटर्न आता है, क्या लास्ट कट ऑफ रहा, और ये सब चीजों के ऊपर मैं एक अगला वीडियो लेके आऊंगा जहां पर आपको पूरा मैं डिप में बताऊंगा कैसे आपको इसकी तैयारी करनी चाहिए। तो आप इस चैनल पर कनेक्टेड रहिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो, राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन बनता है कि सर इस एग्जाम की तैयारी कब से स्टार्ट करें, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपको सेकंड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि भैया आप थर्ड ईयर में इस एग्जाम को दे सकते हैं, मतलब एक साल पहले आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, राइट। अब आप बोलोगे सर कहां से स्टार्ट करें, तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल है जहां पर आप इन सब्जेक्ट इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। हाँ, अगर मैथमेटिक्स का पोर्शन आपको देखना है, जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन देखना है, तो उसके लिए मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वहां से कर लीजिए। बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी से करना चाहे तो वो भी बहुत अच्छा है, आपकी कॉलेज के टीचर्स है वो भी हेल्प करते हैं, बहुत अच्छा मटेरियल अवेलेबल है ऑनलाइन, वहां से भी आप कर सकते हैं, और बहुत सारे लाइक प्लेटफॉर्म्स है जहां पर जाके आप इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं और इसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। पर जो स्टूडेंट इंजीनियरिंग कर रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप सेकंड ईयर से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए, और जो स्टूडेंट यहां पे एमएससी वाले लाइक जो एमएससी में गेट का एग्जाम देंगे लाइक फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स वाले, तो भैया आप बीएससी फाइनल के बाद जैसे ही आपका एमएससी में एडमिशन होता है आपको इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, राइट। और जो बीएससी थर्ड ईयर में वो भी कर सकते हैं, क्योंकि भैया आप टारगेट लेके चलिए। अभी बहुत सारे बच्चों का रहता है कि सर हमें तो पता ही नहीं, डिसाइड ही नहीं किया है कि हम तो बीएससी थर्ड ईयर में कि हमें करना क्या, सर जेम की तैयारी करें या गेट एग्जाम की तैयारी करें या सीएसआईआर की तैयारी करें, तो फोकस्ड, अगर आप फोकस्ड है कि नहीं सर मुझे तो आईआईटी में घुसना है और मुझे एमटेक करना है और मुझे पीएचडी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में एडमिशन लेना है, अगर आपका गेट एग्जाम का प्रोस्पेक्टिव है तो आप थर्ड ईयर से इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर गेट एग्जाम की तैयारी कहां होती है, तो भैया मैं बताना चाहता हूं कि मैं अनअकैडमी पर टॉप एजुकेटर हूं फॉर आईआईटी जेम एंड सीएसआईआर नेट, तो सीएसआईआर नेट का जो लगभग 80% सिलेबस जो होता है वो गेट एग्जाम को मैच करता है, तो अगर आप चाहते हैं गेट एग्जाम की तैयारी करना तो आप अनअकैडमी मेरा सीएसआईआर नेट का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी, तो वहां से आप देख सकते हैं, और मेरा चैनल आप वहां पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं जो नया वाला जो मैं भी इस पे काम कर रहा हूं। प्लस यहां पे जो आईटेप दे रखा है यहां पे मैंने आपको कैसे आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं उसका पूरा वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, तो वो भी आप देख सकते हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको अपना ग्रेजुएशन के अगर इंजीनियरिंग है तो सेकंड ईयर में तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए, अगर आप बेसिक साइंस के स्टूडेंट है तो आपको बीएससी थर्ड ईयर में आपको इस एग्जाम की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। सो सुनिए, अगर आप यहां पे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स प्लस जनरल एप्टीट्यूड का वीडियो देखना चाहते हैं तो यहां पे आप देख सकते हैं लास्ट में जाके, और सुनिए मेरा पुराना चैनल है जहां पर हायर मैथ्स के बहुत सारे वीडियोस हैं, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये मेरा नया चैनल जिसमें भी मैं काम कर रहा हूं। और मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि मैं अभी नेक्स्ट वीडियो जो लेके आने वाला हूं जनरल एप्टीट्यूड एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की तैयारी आपको कैसे करनी चाहिए, प्लस क्या बुक्स आपको यहाँ पे यूज करनी चाहिए, प्लस एग्जाम पैटर्न क्या रहता है और लास्ट कट ऑफ्स क्या है, ये सब मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं, तो वो भी आप यहां पे जाके देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में वहां पे भी जाके आप देख सकते हैं। तो अगर अच्छी लगती है ये सीरीज तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।